हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज आप सबके रिक्वेस्ट पे एक बढ़िया मैथ पजल आप सबके लिए। ठीक है, एक बढ़िया मैथ पजल होगा, वो सब आप सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर पाए तो आप मतलब ब्रिलियंट हो, लेकिन आप अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, आप देख लो इस वीडियो को। और आप जब किसी को पूछोगे तो उसमें 95% लोग नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला पजल है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनना इस पजल को। ठीक है, तीनों फ्रेंड, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। ठीक है, ये तीनों लोग अपने लिए एक क्रिकेट बैट लेने के लिए गए। ठीक है, एक दुकान पे क्रिकेट बैट, तो मतलब वो लोग स्टूडेंट थे तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। तो उन्होंने ए ने लगाया 20 रुपया, बी ने लगाया 20 रुपया और सी ने लगाया 20 रुपया, हो गए कितने 60 रुपये। ठीक है, अब उन्होंने एक दुकान पे गया जो कि जहाँ पे मैंने खेलने का सामान मिलता था, वहाँ पे एक बैट उनको बहुत दिनों से पसंद था तो वो उनको लेने के लिए गए। ठीक है, अब हाँ मेरे ड्राइंग पे मत जाना। तो अब जब वो लोग दुकान पे गए, दुकान का मालिक उधर नहीं था, ठीक है, मतलब जो काम करता था वो था। 50 रुपये का बैट था, वो बंदा क्या किया, चालाकी करके उसको 60 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इन लोगों को मतलब ये तीनों फ्रेंड आए, ये बैट का प्राइस था 50 रुपया, ओके। अब वो आदमी अपने सेल्समैन की हिम्मत दिखा के मतलब कन्विंस करके इसको 60 रुपये में बेच दिया। वो समझा कि मैंने तो एक बहुत तीर मार लिया है, क्योंकि 50 रुपये का चीज अगर 60 रुपये में बिक जाए तो मालिक बहुत खुश होगा। अब थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद मालिक उधर पर आया। ठीक है, वो मालिक बहुत ही ऑनेस्ट था, ठीक है, अपने बिजनेस को लेकर। तो उन्होंने जब सुना कि उसने 50 रुपये के बैट को 60 रुपये में बेच दिया, तो उसने उसको बहुत डांटा और बोला कि अभी जाओ और उन सबको 10 रुपया लौटा के आओ। तो वो नौकर क्या किया, वो दौड़ा मतलब लोग उन लोगों को लेने के लिए, 10 रुपये देने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। तो क्या किया, उसने एक रिक्शा ले लिया। ठीक है, एक रिक्शा ले लिया और रिक्शा लेकर कुछ देर जाकर उनसे मुलाकात हुआ। तो रिक्शा वाला ले लिया उनसे, जो रिक्शा पे वो चला था, रिक्शा वाला ले लिया उससे 4 रुपया। ठीक है, अब उसके पास बचा 6 रुपया, तो 6 रुपया वो जाके इन दोस्तों को दे दिया और बोला कि आपका बैट का प्राइस है 50 रुपया, 6 रुपया मैंने रिटर्न कर दिया और 4 रुपया इधर रिक्शा वाला ले लिया। ठीक है, तो वो लोग 6 रुपया को सब दूर दूर करके बांट लिए। ठीक है, तो सब मिलके कितना हुआ। तो अब उन लोगों ने, अब वो लोग आदमी चला गया, अब वो लोग सोच रहे थे कि हमने बैट में लगाया है हर कोई 18 18 18, क्योंकि 2 रुपये तो रिटर्न आ ही गया है, तो 18 तक कितना होता है 54। और उन्होंने सोचा कि वो बंदा जो रिक्शा में आया था, वो रिक्शा वाला 4 रुपया ले लिया, तो इधर हो गए 54 प्लस 4 58, लेकिन हिसाब तो 60 रुपये का आना चाहिए था, तो क्यों 58 आया, ये है सवाल। ठीक है, तो आप अगर ठीक से समझ नहीं पाए तो मैं अभी झट से एक बार बोल देता हूँ। 20 20 रुपये का बैट उन्होंने खरीदने गया, तो 50 रुपये का बैट था, 2 2 रुपये रिटर्न हो गया और 4 रुपये रिक्शा वाला ले लिया। ठीक है, 4 रुपये रिक्शा वाला ले लिया, तो उन्होंने 2 2 रुपये रिटर्न कर पाए, तो हर कोई इन्वेस्ट किया 18 रुपया, 54 और प्लस 4 जो कि रिक्शा वाला लिया 58, हालांकि होना चाहिए था 60। तो ये है फ्रेंड, तो कहाँ गए वो 2 रुपये, क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कॉमेंट में जरूर बताओ और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार एक पजल है। तो अगर आप अभी तक सोच नहीं पाए हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके सोचो, अगर ना हो पाए तो मैं अभी जवाब दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है इस सवाल में ही। ठीक है, सवाल थोड़ा सा घुमा के गया किया गया है, इधर सवाल होना चाहिए था कुछ अलग, सवाल है कुछ अलग। ठीक है, तो मतलब फिर भी आप जब इसको पूछोगे लोग हैरानी हो जाएंगे कहां गया 2 रुपया, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, लोग जो सोच रहे थे कि वो लोग 60 रुपये का हिसाब आएगा, वो 60 रुपये का हिसाब कभी नहीं आएगा, क्योंकि 60 रुपये तो उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है 54। ठीक है, अब ये जो 2 2 रुपये का हिसाब है, ये तो उन लोगों के पॉकेट में ऑलरेडी चला गया है, तो मैं इन 2 रुपये का हिसाब क्यों लूं। मैं इधर 2 चीज का हिसाब लूंगा, वो है एक बैट और वो है एक रिक्शा वाला जो 4 रुपया ले आए। तो इजी है, बैट का प्राइस है 50 और रिक्शा वाला ले लिया 4 रुपये, तो हो गया ना 54। लेकिन आप जब किसी को ये सवाल करोगे
तो वो बंदा 60 रुपए का हिसाब ढूंढेगा। ठीक है, तो यही है इस पजल का मजेदार भाग। ठीक है, तो अगर आपको ये पजल अच्छा लगा हो जान के तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना फिर से वापस आके कि आप जब इस पजल को लोगों को पूछते हो तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ। तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही ऑसम ऑसम मैजिक सीखते रहिए।